हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, नई आर्थिक नीति। सो बच्चों, से पहले वाले वीडियो में हमने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के दो टॉपिक कवर अप किए थे, जिसमें हमने आउटसोर्सिंग को समझा था, देन हमने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को समझा था। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक भी एनसीईआरटी बॉक्स का है, डेट इज GST। तो सबसे पहले हम GST की फुल फॉर्म देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST की फुल फॉर्म है। सो बच्चों, हम GST को अब समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली GST होता क्या है। भारत में GST वस्तु और सेवा कर आरंभ किया गया है। मींस के बच्चों, ने बोला है कि भारत में GST को वस्तु पर लगाया जाता है, जितने भी गुड्स होते हैं सेवा पर लगाया जाता है, सर्विसेज पर होते हैं। तो बेसिकली वस्तु और सेवाओं पर एक लगाया गया टैक्स है बच्चों, जिसे हम GST कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो बच्चों, अगर हम GST से पहले की बात करें, तो GST से पहले होता क्या था कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हमें अप्रत्यक्ष कर अपनी कंट्री में देखने को मिलते थे बच्चों, लाइक वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी टैक्स हो गया। तो बहुत टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स हमें देखने को मिलते थे। तो बच्चों, सरकार ने सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ करके एक टैक्स बनाया है, सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को जोड़ करके एक टैक्स बनाया है, जिसे हम GST कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली GST होता क्या है। बट बच्चों, GST के अंदर हमें एक एक्सेप्शनल देखने को मिलता है कि इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है बच्चों। वो इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि सरकार को इम्पोर्ट ड्यूटी के अंदर ज़्यादा टैक्स वसूलना होता है। सो इसके अंदर सरकार GST में इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाती है। सो बच्चों, अगर हम GST की बात करें, तो GST के चलते सरकार ने एक नारा दिया है, और वो नारा क्या है, एक कर एक राष्ट्र एक बाजार। सो बच्चों, बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को, जितने भी टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उन सबको जोड़ करके एक टैक्स बनाया गया है, जिसे हम GST के नाम से जानते हैं बच्चों। बेसिकली हमें दो टाइप के टैक्स देखने को मिलते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जिसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। सो बच्चों, बेसिकली डायरेक्ट टैक्स अभी भी वैसा ही है जैसा वो था पहले, बट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर चेंज हुआ है कि जितने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सबको जोड़ करके एक टैक्स बनाया, जिसे हम GST के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेसिकली GST होता क्या है। सो बच्चों, अब इसने हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वस्तुओं की श्रेणी और कर दर। तो यहाँ पर इसने हमें कुछ चार्जेस की इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो बच्चों, जो उसने जीरो बोला है, वो यहाँ पर इसने सबसे कम दर दिखाई है GST की, बट जो सबसे हाईएस्ट दिखाई है उसने, वो दिखाई है 28% सबसे हाईएस्ट GST का दिखाया। बट बच्चों, ऐसा नहीं है कि GST 28% तक ही है, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर हम पेट्रोल पे GST देखें तो वो डिफरेंट है, तो वो 28 से ज़्यादा है। इसी तरह बच्चों, मेकिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी पर देखें, अगर हम गोल्ड ज्वेलरी के चार्जेस देखें तो वो अलग है। बट ये आप लोगों की अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जिसमें इसमें सबसे लोवेस्ट सबसे कम दर को 0% दिखाया गया है, और उसके अंदर सबसे हाईएस्ट को 28% दिखाया गया है। बट ऐसा नहीं है कि GST का सबसे हाईएस्ट 28% तक है, क्योंकि अगर हम पेट्रोल पे GST देखें तो वो 28 से कहीं ना कहीं 28 से ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम मेकिंग ज्वेलरी की बात करें तो वो भी उस पर अलग चार्जेस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 28% तक ही GST हाईएस्ट है, बट ये आप लोगों के अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, तो हम इसको सिलेबस तक ही रखेंगे। सो बच्चों, उसने बोला है जो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, दूध हो गए, इसके अंदर हमें 0% के चार्जेस देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर कोई GST टैक्स नहीं है। इसके अलावा बच्चों, उसने बोला है चाय, कॉफ़ी और मसाले के ऊपर हमें 5% के चार्जेस GST के देखने को मिलते हैं, मक्खन के ऊपर, जमे हुए मांस के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर हमें बच्चों 12% के चार्जेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो फास्ट फूड हो गए, पास्ता, पेस्ट्री, केक हो गया, उसके ऊपर हमें 18% तक के चार्ज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो उसने हाईएस्ट की कैटेगरी में रखा है बच्चों, वो है ऑटोमोबाइल और तोलने वाली मशीनरी, जो बड़ी बड़ी मशीनरी में देखने को मिलती है, उसने इसमें 28% को इंक्लूड किया है। सो ये आप लोगों की अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर अप हुई होगी कि बेसिकली GST है क्या। सो बच्चों, हम इसके साथ एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को और समझते हैं कि हमारी कंट्री में GST को कब लागू किया गया था। सो बच्चों, GST को हमारी कंट्री के अंदर 1 जुलाई सन
2017 में जीएसटी को कंट्री में लागू किया गया था। और बच्चों हम 1 जुलाई 2017 को जिस दिन जीएसटी को लागू किया गया था उसे हम सीए डे के नाम से भी जानते हैं। सो बच्चों आई होप आप लोगों को ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 की नई आर्थिक नीति के टॉपिक नंबर 3 को समझेंगे, डेट इज टैक्स रिफॉर्म मीन्स की कर सुधार। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।